हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी टिप्स बाय माहिरा। कैसे हो आप सब गाइस? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे, क्योंकि अभी देश का हालात पूरी दुनिया के हालात बहुत ख़राब हैं। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि सब कोई अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और घर पर रहें गाइस। तो चलिए गाइस, आज मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर नहीं आई हूँ, आज मैं बात करने वाली हूँ आइस क्यूब्स के बारे में। यस, आइस क्यूब्स हम अक्सर अपने खानों पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं उनको ठंडा करके, बट क्या आप जानते हो कि आइस क्यूब हम अपनी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? यस, आइस क्यूब हम बहुत तरीक़ों से अपनी स्किन पर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आपकी स्किन को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहली टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ आइस क्यूब से रिलेटेड, आइस क्यूब्स को अपनी स्किन पर आप अगर मसाज करोगे तो आपको ओपन पोर्स से निजात मिल जाएगी। यस, अगर आपको बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा, या ऑयली स्किन को तो होती है क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, मुझे भी होती है, तो मैं रोज़ाना गर्मियों में आइस क्यूब से अपनी स्किन पर मसाज करती हूँ, 1 से 2 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। पहली चीज़, आपके ओपन पोर्स को श्रिंक करती है। अगर आप रोज़ाना अपने फेस पर 1 से 2 मिनट के लिए आइस क्यूब को रब करते हो तो आपको ओपन पोर्स से मिल जाएगी निजात। दूसरी चीज़, अगर आपकी स्किन सैग हो रही है और आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है, तो आप रोज़ाना अपनी स्किन पर वही 1 से 2 मिनट तक आइस क्यूब को मसाज करिए, आपको आपकी स्किन नेचुरली टाइट मिलेगी विद इन वन वीक गाइस। यस, क्योंकि जैसे ही आप आइस क्यूब से मसाज करते हो ना, आपको तुरंत आपकी स्किन थोड़ी थोड़ी टाइट टाइट सी, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सिकुड़ गई है आपकी स्किन, एकदम से टाइट सी फीलिंग होती है। नेक्स्ट, अगर आपके आँखों में डार्क सर्कल्स हो गए हैं और आपको अपनी आँखों में हमेशा थकान सी महसूस होती है, तो आप रोज़ाना आइस क्यूब से जब फेस पर मसाज कर रहे हो तो आइस पे भी मसाज किया करो, आपको डार्क सर्कल्स से निजात मिल जाएगी। यू विल गेट रिड ऑफ योर डार्क सर्कल्स एंड आपकी आँखों की थकान भी कहीं चली जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आपको आपकी स्किन पर पिंपल्स है, एक्ने है, डार्क स्पॉट्स है, तो आप रोज़ाना आइस क्यूब से अपने फेस पर मसाज करो, आपको एक्ने, पिंपल, डार्क स्पॉट्स और पिंपल्स वगैरह जो दाग छोड़ के जाते हैं ना, उनसे भी आपको निजात मिल जाएगी। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपके ब्रेस्ट सैग हो रहे हैं तो आप रोज़ाना अपने ब्रेस्ट पर 1 से 2 मिनट के लिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करो, आपको विद इन 1 मंथ अपने ब्रेस्ट लिफ्टेड नज़र आएगी। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि आपको कैसे करना है और करना क्या है। उसके बाद अगर आपकी स्किन पे ग्लो नहीं है, शाइन कहीं चली गई है, रोज़ाना अपने फेस पर आइस क्यूब से मसाज करिए, आपकी स्किन ग्लो करेगी, शाइन करेगी, ये मेरा दावा है दोस्तों। आप 1 महीना इसे कर देखो, उसके बाद मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको इसके रिज़ल्ट पॉजिटिव मिले या नेगेटिव मिले। सो ये सारे फ़ायदे हैं, और ये आइस क्यूब जो है वो आपकी स्किन को 1 से 2 टोन तक फेयर भी करता है गाइस। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे, ये मैंने कहीं सुना या पढ़ा नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने कहीं सुना था कि आइस क्यूब से मसाज करना चाहिए, मगर इतने सारे फ़ायदे हैं इसके, ये तो मुझे भी नहीं पता था। सो इतने सारे फ़ायदे हैं गाइस इसके, बहुत 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 ज़्यादा आपकी ब्यूटी को एनहेंस करता है, स्किन कॉम्प्लेक्शन को एनहेंस करता है, और ऑल इन वन सोल्यूशन है गाइस, ये आपके सारे फेस के प्रॉब्लम्स का ऑल इन वन सोल्यूशन है। अगर आपको कहीं सनबर्न हो गई है, आप रोज़ाना आइस क्यूब से मसाज करो, आपको उस सनबर्न से निजात मिल जाएगी। आपके बॉडी पे कहीं आप जल गए हो या कहीं दाग हो गया है, तो जलने के दाग को भी ये दूर करता है। रोज़ाना आपको अपनी स्किन पर कहीं भी जहाँ पे आप जल गए हो, वहाँ पर जहाँ स्कार्स हैं आपके, वहाँ पर मसाज करो, आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वो वहाँ से गायब हो जाएगा, स्किन ग्लोइंग भी होती है गाइस इसकी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है। मैं इसे कैसे इस्तेमाल करती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको स्किन पर यूज़ करना है, फेस पर, आपको कुछ नहीं करना है, रोज़ाना आप सुबह अपना CTM करते हो, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करते हो ना, सुबह ही इसे यूज़ करना है, क्योंकि दिन के कंपैरिजन में रात में थोड़ी ठंड होती है, तो रात में मत यूज़ करना। बहुत सारे लोगों को गले में खराश या कोई प्रॉब्लम होती है, मैं भी रात में यूज़ नहीं करती हूँ। तो करना क्या है आपको, सुबह अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें। आइस क्यूब रब करने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, फेस पे कोई मेकअप, डर्ट, पोल्यूशन, कोई क्रीम नहीं होनी चाहिए, फेस बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। सुबह आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें किसी क्लींजर से या फेस वॉश से। मैं जनरली कच्चे दूध से अपने स्किन को वॉश करती हूँ, अपने स्किन पे मसाज कर रब करती हूँ, नेचुरल क्लींजर है कच्चा दूध। सोया आपको अपने कच्चा दूध से या जिससे भी आप अपने फेस को क्लीन कर लो अच्छे से, एंड आपको नेक पर भी मसाज करना है, डोंट फॉरगेट योर नेक।
सो या उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल, मैं एक लेती हूँ कॉटन का कपड़ा, ये मेरी कॉटन की हैंकी है, बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए ये। और इसमें हम डालेंगे एक आइस क्यूब, एक आइस क्यूब हमें लेना है, सॉरी यहाँ गिर गया, एक आइस क्यूब हमें लेना है, इस तरह से इसको रैप कर देना है, दिस इज़ द आइस क्यूब। अब हमें इस तरह से डैपिंग मोशन में करके अपने पूरे फेस को डैब 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 करके अपने पूरे फेस पे आँखों के अराउंड हल्का हल्का मसाज करें। आप चाहो तो ऐसे गोल गोल करके भी हल्का हल्का मसाज कर सकते हैं, मगर आप इस तरह से करोगे तो प्रेशर पड़ेगा स्किन पर, तो ये ज़्यादा अपना कमाल अच्छे से दिखाएगा। तो पूरे फेस पर इस तरह से डैप करके आपको अपने स्किन को आइस मसाज देना है, 1 से 2 मिनट तक, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं दोस्तों। एंड ये ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, हर स्किन वाले लोग कर सकते हैं। मैंने सुना था कि सेंसिटिव स्किन वालों को नहीं करना चाहिए, मेरी स्किन सेंसिटिव है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इससे, कोई रेडनेस, कोई रैशेज नहीं होती है, ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इससे स्किन ग्लोइंग होती है। ड्राई स्किन वालों को ओपन पोर्स की प्रॉब्लम नहीं होती है जनरली। तो इस तरह से आप डैप कर करके जब मसाज करोगे, आपको अपनी स्किन पर एक अजीब सी ठंडक महसूस होगी गाइस, ट्रस्ट मी, बहुत ही ठंडा ठंडा सा फील होगा। और जब आप इसे हटाओगे, आपको टॉवल से वाइप कर लेना है अपने फेस को, डैप करके 1 से 2 मिनट तक ही मसाज करना है, उसके बाद आपको अपनी स्किन में फील होगा कि मेरी स्किन टाइट लग रही है, बिल्कुल टाइट लग रही है। इतनी जल्दी ये आपको 1 महीने में ना अच्छा रिजल्ट देगा, आप देख लेना 1 महीने में। एंड नेक्स्ट कि आपको उसके बाद जब आप आइस क्यूब मसाज कर लोगे ना, उसके बाद आप टोनर अप्लाई करो, एंड देन सेरम, एंड देन मॉइस्चराइज़र, एंड देन सनस्क्रीन, जो भी आप अपने CTM में करते हो। जनरली मैं तो यही करती हूँ, पहले कच्चे दूध से मसाज करती हूँ, फिर आइस क्यूब से मसाज करती हूँ 1 से 2 मिनट, उसके बाद मैं टोनर अप्लाई करती हूँ, देन सिरम, देन मॉइस्चराइज़र, एंड देन लास्ट सनस्क्रीन। और इसे आप अपने लिप्स पर भी मसाज कर सकते हो, लिप्स की भी डार्कनेस इससे चली जाती है, यस गाइस। और ये आपके लिप्स को बहुत ही खूबसूरत बना देता है, क्योंकि ये डार्कनेस को ना रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी स्किन अगर डार्क हो गई है, डल हो गई है, डैमेज हो गई है, तो उसको आइस क्यूब रिपेयर करता है कहीं ना कहीं। अब मैं आपको बताती हूँ ब्रेस्ट पर आपको कैसे मसाज करना है। ब्रेस्ट पर आपको कोई क्लॉथ नहीं लेना है, सिंपल अपने हाथों में आइस क्यूब लेना है, लेट जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाना है, और अपने दोनों ब्रेस्ट पर दोनों हाथों से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना है। और उसके बाद 2 मिनट तक जब आप मसाज कर लोगे, उसको तौलिए से वाइप कर लो अच्छे से, अपने जो इनर आप पहनते हो, टाइट एंड फिटिंग इनर, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो पहन लो, आधे घंटे तक उसी पोजिशन में लेटे रहो, उसके बाद आप उठ सकते हो। एक्सरसाइज भी आप साथ में करोगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, और ऑलिव ऑयल से मसाज करोगे तो भी आपको और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, बट आइस क्यूब भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है दोस्तों। तो इस तरह से आप आइस क्यूब्स को अपने ब्यूटी एनहांस करने में हेल्प, अपने स्किन केयर रिजीम में ला सकते हो। इस तरह से आप अपने स्किन की खूबसूरती को कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हो। और अगर आपको कभी भी ऐसा लगे, अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको लगे आपका फेस बहुत थका थका सा लग रहा है, सिंपल एक आइस क्यूब ले लो, अपने फेस पर मसाज कर लो, फेस को क्लीन करके सारी थकान दूर हो जाएगी। एंड गाइज, ये आपकी स्किन को रेडियंट भी बनाता है, स्किन को बहुत रेडियंट कर देता है। एंड आपको हमेशा पहले नाक से स्टार्टिंग होगी आपकी, आपके नोज़ शाइन करना स्टार्ट कर देंगे, जब आप एक हफ्ते के अंदर ही आप देखना नोज़ आपके शाइन करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हो। एंड ओपन पोर्स से निजात पाने के लिए आप टोनर भी यूज़ कर सकते हो, मगर आइस क्यूब ज़रूर यूज़ करना, ये बहुत अच्छा है। इन समर्स में आइस क्यूब्स को अपने स्किन के रिजीम में लेकर आइए और फिर देखिए कि आप कितने खूबसूरत लगते हैं। सो गाइज, ये था मेरा वीडियो आइस क्यूब्स के ऊपर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसे इस्तेमाल करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना कि आपको कितने सारे फ़ायदे मिले हैं इससे। एंड गाइज, मैं इसी तरह से ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स, शॉपिंग हॉल अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ भी मैं करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप मेरी सारी वीडियोस देख सकेंगे। एंड सो गाइस, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं फिर से एक बार और करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आएगा तो, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।